वालेकुम नाजरीन, कैसे आप सभी लोग? मेरा सुबह फेस होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक को शेयर करना मत भूलें। घंटी का बटन दबाने के लिए आप लोगों में रिहान आने वाली नहीं कराची के मौसम वैसे अपडेट के बारे में जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाएगा। बात करते हैं कराची के मौसम के वैसे इतवार, पीर और मंगल इन तीन दिन हमने देखा कि कराची में पेशों के मुताबिक गर्मी की शिदत में काफ़ी हद तक इजाफा और वह इस दौरान कराची में हवा में जो नमी का तनासब था वो इंतहाई कम था, जिसकी वजह से कराची में खुश्क गर्मी हम लोगों की रिकॉर्ड की गई और इस दौरान कराची का मैक्सिमम टेम्परेचर 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया गया और समुद्री हवाएं कराची में बिल्कुल ना चलने के बराबर थी। तमाम हवा में नमी के तनाव में कमी होने के सब कराची वालों को पसीने की कैफियत नहीं हुई। तमाम खुश्क मौसम का सामना कराची वालों को करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कराची में मुख्तलिफ बीमारियाँ भी फैल रही हैं, जिसमें खांसी, जुकाम, नज़ला और मुख्तलिफ बीमारियाँ मजीद शामिल हैं। कराची में आज भी इस वक्त भी आप लोग देख सकते हैं गर्मी की शिदत काफ़ी ज़्यादा है। कराची में आज और कल गर्मी की शिदत बरकरार रहेगी। आज भी कराची का दर्जा 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड होने का इम्कान है। तमाम कल जुमेरात के रोज़ इस साल का गर्म तरीन दिन कराची में होने जा रहा है, तो कराची वाले इसके लिए तैयार है। कल कराची का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी तजावुज़ कर सकता है, जिसके इम्कान भी हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कई कराची में इस साल का गर्म तरीन दिन कल का साबित हो सकता है। तमाम कराची में कल के बाद जुमे से हफ्ते से दर्जे हरारत में कुछ कमी होगी और जुमे और हफ्ते को कराची में समुद्री हवाएं भी बहाल हो जाएंगी, जिसकी वजह से कराची में दर्जे हरारत में बेहतरी हो सकती है। और इस हवाए से हम आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करते रहेंगे। समुद्री हवाओं के चलने की वजह से अगले हफ्ते एक और शदीद गर्मी की रहे जो कि सिंध को मुतासर करने जा रही है, जिसकी वजह से सिंध के मुख्तलिफ इलाके हैदराबाद, थट्टा, बदीन और जो मुंडिका इलाके हैं वहाँ पर दर्जे हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा तजावुज़ कर सकते हैं। तमाम कराची में अगले हफ्ते आने वाली शदीद गर्मी की लहर से किसी भी खाते खा गर्मी का इम्कान नहीं। कराची उस गर्मी की लहर से काफ़ी हद तक समुद्री हवाओं के बदौलत महफूज रहने के इम्कान मौजूद हैं। कराची में फिलहाल आने वाले दिनों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। बारिश का फिलहाल कोई सिस्टम कराची को मुतासर नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त बहर अरब में एक एंटी साइक्लोन और गुजरात पर भी एक हाई प्रेशर मौजूद है। एनएन अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। इस दफ़ा हमें उम्मीद है कि मानसून में लानीना पैटर्न होने का इम्कान मौजूद है, जिसकी वजह से मानसून में पाकिस्तान भर में जो पूरा साउथ एशिया है वहाँ पर मामूल से ज़्यादा बारिश होने के इम्कान मौजूद है। WMO जो कि वेबसाइट है उसने भी अपना मानसून का आउटलुक शेयर किया, जिसमें पूरे पाकिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिशों को दिखा रहा है लानीना पैटर्न के सबब। तमाम इसमें भी मजीद तब्दीलियाँ मुमकिन है। मानसून की अपडेट्स भी आने वाले दिनों में मेरे चैनल पर आप लोगों को मिलती रहेंगी। हमारे साथ रहें, तब तक के अल्लाह हाफिज़।